ग्वारगम और ग्वार सीड की कीमतें NCDEX पर सीमित दायरे में कारोबार कर रही है। वर्तमान में कम उत्पादन, कई वर्षा, कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से कीमतें वर्ष दर वर्ष 63.5% अधिक हैं। जानकारों के अनुसार ग्वार का उत्पादन भी पहले के मुकाबले आधा रहने का अनुमान है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ग्वार का स्टॉक अब उन्हीं कारोबारियों और किसानों के पास बचा है जिनकी ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक करके चलने की क्षमता है। उत्पादन और व्यापारियों और किसानों द्वारा स्टॉक किए गए ग्वार को मिलाया जाए तो आंकड़ों में बदलाव ज़रूर आएगा। दरअसल जिन व्यापारियों और किसानों ने स्टॉक किया हुआ है उनको अच्छे दामों की उम्मीद है। वह तभी बेचेंगे जब उनको उनके मनचाहे दाम मिलेंगे। इसी के चलते बाजारों में अच्छी क्वालिटी के ग्वार की कमी है और इसी की पूछ परख सबसे ज्यादा है। ग्वार के वायदा बाजार की बात करें तो NCDEX पर ग्वार गम और ग्वार सीड ऊपरी स्तर पर एक सीमित दायरे में है। बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक ग्वार सीड की कीमतों में अभी कुछ दिनों तक एक दायरे में कारोबार होने की संभावना है जो 6300 से 6750 के बीच का रहेगा। निचले स्तरों से खरीदारी भी देखने को मिलेगी और दो हफ्तों में ग्वार सीड की कीमतें 6600 का स्तर दिखा सकती है। वहीं ग्वार गम की कीमतें अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही रहेगी। ग्वार गम की कीमतों को 11500 से 11600 का सपोर्ट रहेगा और लगभग दो हफ्तों में 12400 से 12500 तक से स्तर देखने को यहां मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।